साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आप भक्तजनों के लिए एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र की शक्ति से जो भी इस मंत्र का निवारण करेगा, इसकी उस्तुति करेगा, इसका जाप करेगा, तो वह इस मंत्र की शक्ति से डाकनी शाकनी को दूर भगाएगा और घर में जो पितरवादा भूत प्रेत की घर में छाया है या किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत की छाया है या किसी ने भूत प्रेत ने किसी व्यक्ति को पकड़ रखा है, अगर आप इस मंत्र का 11 बार निवारण करने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वह व्यक्ति उस वादा से मुक्त हो जाएगा। और घर में जैसे कोई छाया है भूत प्रेत की, अगर आप इस मंत्र का निवारण करने के बाद इस मंत्र का निवारण आप जल के ऊपर करें और जल का जब आप घर में छींटा लगाएंगे तो जो आपके घर में भूत प्रेत की छाया है वह भी घर से भाग जाएगी इस मंत्र की शक्ति से। और अगर आपको बुरे सपने आते हैं, रात को नींद नहीं आती, तो अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको जो डरावने सपने हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे। मगर भक्तजनों, इस मंत्र की शक्ति आप प्राप्त कैसे करेंगे उसकी मैं आपको संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र को आप कोई भी व्यक्ति अपने घर के बने मंदिर में बैठकर इसके नित्य ही एक माला का जाप करें 11 दिन। इससे पहले आप हनुमान चालीसा का जाप भी कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का जाप कर सकते हैं। जो भी आप घर में पाठ पूजा करते हैं नित्य कर्म से, तो आप इस मंत्र का उसके साथ साथ निवारण कर सकते हैं। और जो इस मंत्र का जाप करना है आपने रात्रि के समय सूर्य छिपने के बाद इस मंत्र का जाप करें, एक माला नित्य ही फेरें। और एक माला इसकी नित्य फेरने के बाद 21 दिन लगातार इस माला का जाप करते रहें। और जब माला का जाप करें इस मंत्र की का, तो अपने पास जा तो दो बूंदी वाले लड्डू रख लें और जा फिर गुड़, दोनों अपने पास रखें। और जो व्यक्ति इसका जाप करेगा वो अपने ऊपर से गुड़ जा जोड़ा लड्डुओं का अपने ऊपर से वारने के बाद किसी गऊ एव बैल को डालता रहे। इससे आप में इस मंत्र की संपूर्ण शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और आप किसी का भी भला कर सकते हैं। जो भक्तजन झाड़ फूक का काम करते हैं तो वो इस मंत्र से भूत प्रेत की जिनको वादा है उनका संपूर्ण रूप से निपटारा कर सकते हैं इस मंत्र की शक्ति से। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिन भक्तजनों ने इस मंत्र का जाप करना है डाकनी शाकनी को दूर भगाने और भूत प्रेत वादा से संपूर्ण रूप से छुटकारा पाने का ये मंत्र अगर आपने जाप करना है, तो भक्तजनों आप ये मंत्र नोट कर लें। ओम नमो हनुमान ताई महावल्या पराक्रमाय उष्मद कुलशायिनी नास कुरूं कुरूं सुख पूज वाल्या स्वाहा। भक्तजनों मंत्र एक बार फिर से सुन लें। ओम नमो हनुमान ताई महावल्या प्राकमय उष्मद कुलसायिनी नास कुरु कुरु सुख पूज वाल्या स्वाहा। माता रानी के भक्तजनों, अगर आप इस मंत्र का जाप 21 दिन लगातार आपके घर के मंदिर में बैठकर इसका जाप करेंगे और जो मैंने आपको भोग प्रसाद बताया है अपने ऊपर से वार कर पाते रहेंगे, तो ये मंत्र संपूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो आपने इसकी उहूतियाँ डालनी है, एक माला की आप उहूतियाँ डाल दें स्वाहा कहने के बाद। और उहूतियाँ किस चीज़ की डालनी, देसी घी और गूगल की धूप की। और जिसका भी आपने कोई झाड़ फूक का काम करते हैं, हथौला पाना है या घर में वादा है,
तो वह घर से यही जोड़ा लड्डुओं का और गुड़ अपने घर में से वार के किसी बैल को या गऊ को डालें। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत की छाया है तो इस मंत्र का 11 बार जाप करें और उसको इसका या तो जलपान करवाएं या फिर आप झाड़ फूँक करने के बाद इसके ऊपर 7 बार फूँक मार दें उस व्यक्ति के ऊपर, और उसके बाद जोड़ा लड्डुओं का या फिर वो जो जोड़ा गुड़ की डलियों का है उसके ऊपर से वार के वह भी गऊ है या किसी बैल को डाल दें। हाँ माता रानी के भक्त जनों, अब सभी से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएँ ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट में, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।